नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 दिसंबर, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों पर मांगे ऑनलाइन आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की है, जिसके बाद कुल मिलाकर 34 रिक्तियों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग ने जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं उनमें लीगल एडवाइजर, मेडिकल फिजिसिस्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर NIA और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद शामिल है। UPSC की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर 2020 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी पूरी जानकारी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन भरने से पहले शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बिहार के अरवल जिले के मधुश्रुवा आश्रम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मधुश्रुवा आश्रम अरवल एवं देश का एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है और चैवन ऋषि का जन्म स्थल है। जन्म रीति और पुराणों में इसका महत्व दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्थल पर अवस्थित बाबा मधेश्वर नाथ की पूजा भगवान राम द्वारा गाय पिंड दान करने के क्रम में की गई थी। यहाँ पर पूरे बिहार में दो स्थानों पर लगने वाला मलमास मेला, जो कि प्रत्येक 3 साल पर लगता है, राजगीर के बाद यहीं लगता है, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आकर भगवान महेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मंगल कामना की इच्छा करते हैं। बिहार में 8 IAS ऑफिसर्स का हुआ तबादला। बिहार में 8 IAS ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने इसकी पूरी सूची जारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप IAS के सेंथिल को कोसी का आयुक्त बनाया गया है। IAS बालामुर्गंडी को ग्रामीण जीविको पोर्जन निदेशक बनाया गया है। गोपाल मीना को लघु जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। संजय कुमार सिंह को शिक्षा परियोजना निदेशक बनाया गया है। विनोद सिंह गुंजियाल को पशुपालन निदेशक बनाया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को उद्योग विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। बी कार्तिकेय धनजी को उत्पाद आयुक्त बनाया गया है। इतना ही नहीं, रंजिता को श्रम आयुक्त और नियोजन निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के हर शहर में 150 की क्षमता वाले वृद्धाश्रम बनाने की शुरू हुई तैयारी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार अब वृद्धों के लिए राज्य के हर शहर में 150 की क्षमता वाले वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वृद्धजन पेंशन योजना 60 साल से अधिक उम्र के जिन बुजुर्गों के लिए है, उन्हें किसी तरह की पेंशन फिलहाल नहीं मिलती है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्ययन के अनुसार देश में साल 2021 तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर तकरीबन 14 करोड़ 32 लाख हो जाएगी। उसमें तकरीबन 7 करोड़ 6 लाख पुरुष और 7 करोड़ 26 लाख महिलाएं होंगी। हालांकि बुजुर्ग जनसंख्या में बिहार की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी। बिहार में साल 2021 में कुल आबादी में 10.70% हिस्सा वृद्धों का होगा। बिहार में कोविड-19 के मिले 500 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 500 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,43,248 पर पहुंच गई है। टॉप 3 प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 177 मामले सामने आए हैं, मुजफ्फरपुर में 22 मामले सामने आए हैं, वहीं गया में 20 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 2,36,737 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में जल और पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण की पढ़ाई हुई अनिवार्य। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट स्तर पर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण और उससे बचाव संबंधी 3 नए कोर्स की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। राजभवन सचिवालय ने अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित विषयों में पढ़ाई शुरू करने का निर्देश भी कुलपतियों को दे दिया है, जिसके बाद हर एक विषय में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए 60-60 सीटें तय की गई हैं। इसके लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति फागू चौहान की तरफ से UGC गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है। इसका केवल मकसद छात्र छात्राओं में पर्यावरण, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसे रोजगार से भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। पहले चरण में बिहार के हिस्से में आएगी 7 लाख कोरोना वैक्सीन। बिहार में जल्द ही कोविड-19 के वैक्सीन को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है और बताया है कि पहले फेज में 6 से 7 लाख की संख्या में वैक्सीन बिहार आने वाली है। इसके भंडारण के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश जारी किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि ट्रायल लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही पूरे भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 से 7 लाख कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
लाल पहाड़ी की खुदाई के बाद पर्यटक स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। बिहार सरकार आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से रूबरू कराने के लिए प्राचीन अवशेषों का संरक्षण करने में लग गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2018 में लाल पहाड़ी की खुदाई का काम शुरू करवाया था, जहां खुदाई में कई प्रकार की मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका जायजा लेकर इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार खुदाई में मिली मूर्तियों को पटना के म्यूजियम और अन्य म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। इनकी कीमत लाखों रुपए से अधिक बताई जा रही है। लाल पहाड़ी की खुदाई चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। पिछले 4 साल से लगातार लाल पहाड़ी पर बिहार सरकार के अधिकारियों की देखरेख में खुदाई का काम चल रहा है, जिसके बाद अब लाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल बनाने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार लाल पहाड़ी पूरी खुदाई के बाद नालंदा राजगीर जैसा पर्यटक स्थल बन जाएगा। 19 फरवरी को जारी होगी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट निकाले जाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद अंतिम प्रकाशन की तारीख 19 फरवरी 2021 तय कर दी गई है। इसके साथ ही इसकी सूचना सभी जिलों के डीएम को भी दी जा चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिए भी मान्य होंगे। विधानसभा चुनाव की तरह ही 1 जनवरी 2020 की वोटर बनने की आहर्ता तारीख होगी। इसी आधार पर ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार किए जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी नरकटियागंज के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत गोविंद निलहानी की फिल्म द्रोखाल से साल 1994 में की थी। मनोज को बॉलीवुड में पहचान फिल्म शूल से मिली। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। उन्होंने पुरस्कारों को भी अपने नाम किया है। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आए कोविड-19 की चपेट में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण देखने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और नतीजा पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक है और वो डॉक्टर की सलाह पर होम क्वारंटीन में फिलहाल रह रहे हैं। आपको बता दें जेपी नड्डा पिछले दिनों कई चुनावी यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर उन लोगों से अपील की है जो पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे। उन्होंने कहा कि वो लोग भी अपना ध्यान रखें और जल्द से जल्द कोविड-19 की जांच करवा लें। आपको बता दें कोविड-19 संक्रमित होने से पहले हाल ही में भाजपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। आयोग ग्रामीण हेल्थ केयर फाउंडेशन के तहत किशनपुर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। आयोग ग्रामीण हेल्थ केयर फाउंडेशन के तहत बीते दिन प्रदेश के सुपौल जिले के किशनपुर में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन सूर्या नर्सिंग होम के द्वारा किया गया था। इस मौके पर जहां ग्रामीणों को मुफ्त में जांच किया गया था, वहीं लोगों को भी यह बताया गया कि आरोग्य ग्राम आरोग्य भारत के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे लोग स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान इस मौके पर डॉक्टर ठाकुर पीडी जनरल सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर बबीता नेत्र रोग विशेषज्ञ, वहीं मिस्टर अखिलेश कुमार पाठक द्वारा आयोजित किया गया था। पिता किसान, मां आंगनबाड़ी सेविका और बेटा बना सेना में लेफ्टिनेंट। बिहार के बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के चौगाई प्रखंड के ठोरी पांडेपुर निवासी किसान हरिराम पांडे और आंगनबाड़ी सेविका माता के पुत्र विकास भारद्वाज की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। वहीं सेना में अधिकारी बनकर बेटे ने किसान पिता और आंगनबाड़ी सेविका माता के सपनों को साकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विकास भारद्वाज ने देहरादून अकेडमी में जैसे ही पासिंग आउट परेड का अंतिम कदम पूरा किया, अकेडमी में मौजूद माता पिता सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पासिंग आउट परेड में पहुंचे विकास के माता पिता बेटे की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। पासिंग आउट परेड का अंतिम कदम पूरा होते ही मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में हो गई पैसे की निकासी, लेकिन काम नहीं हुआ पूरा। नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के 4 पंचायतों की 4 वार्डों के अध्यक्ष और सचिवों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पर आरोप है कि सरकारी राशि की निकासी के बावजूद नल जल योजना का काम नहीं करवाया गया। थाने को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा राशि की निकासी कर दी गई है, लेकिन काम पूरा नहीं करवाया गया, जबकि उन लोगों को 31 मार्च 2020 को ही काम पूरा करना था। उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ने 10 दिसंबर को योजनाओं का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें यह पाया गया था कि बैरवा पंचायत की वार्ड संख्या 1 और 8, सुभानपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 3 में काम नहीं किया गया है।
अश्विनी चौबे ने इलेक्शन बूथ की तरह ही कोविड वैक्सीनेशन बूथ बनाने की कही बात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इलेक्शन बूथ की तरह पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए बूथ बनाए जाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हर बूथ पर रोज कम से कम 100 लोगों को कोविड 19 से बचाव का टीका दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने 13 दिसंबर को राजकीय अतिथि शिला में मीडिया से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के बाद इस बीमारी से निजात के लिए वैक्सीन बनाने का अभियान विश्व स्तर पर चलाया जा रहा है। भारत भी वैक्सीन बना रहा है। हमारी कोशिश है सस्ती से सस्ती वैक्सीन बने ताकि आम से आम व्यक्ति भी इसे सहजता से प्राप्त कर सके। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया घेराव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सत्ता संभालने के बाद से बिहार में अप्रिय वाक्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफा घिरते भी नजर आए हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार में अप्रिय वाक्यों को लेकर साथ ही अराजकता के माहौल को देखते हुए राजद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि सुन लीजिए मुख्यमंत्री, आपकी यह नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजद ने आगे लिखा कि सूबे के अफसर भी जानते है कि आप राजनीतिक रूप से खत्म है, कोई लोड नहीं ले रहा आपकी बातों का। आपकी नाक के बाल जो अधिकारी है ना, वो सब भ्रष्टाचार के जनक है। वहीं अधिकारी जो चुनाव में जदयू प्रत्याशी को चंदा देते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बंगाल में चुनावी मैदान में उतरने का हुआ फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से अपने संगठन के मजबूती को लेकर बीते दिन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के पटना आवास पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष BL वैश्य यंत्री ने जीत पर बधाई देते हुए अपने सभी कार्यकर्ता का स्वागत किया। इसके साथ ही आयोजित इस बैठक में पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय भी लिया गया है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। ऐसे में बिहार में आए परिणाम को देखते हुए जीतनराम मांझी की पार्टी अपनी किस्मत बंगाल में भी आजमाना चाह रही है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए CPIML के किसान संघर्ष यात्रा होगी जल्द शुरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने किसानों के अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के चल रहे आंदोलन की समस्या को हल करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जबकि उसका असली मकसद भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट को बढ़ावा देना और देश की खेती किसानों को बर्बाद कर रहा है। किसान आंदोलन और तेज होगा। 29 दिसंबर को राजभवन मार्च का आयोजन भी करवाया जाएगा। इससे पहले 15 से 28 दिसंबर तक राज्य में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। राजद के कद्दावर नेता सिद्दीकी को हरवाने के लिए बाहर आया ऑडियो पर दरभंगा जिला अध्यक्ष ने लिया एक्शन। राजद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ने दरभंगा जिला अध्यक्ष के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत चुनाव के बाद राज्य जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव का कथित ऑडियो ट्रेंड कर रहा था, जिसमें सिद्दीकी को हटवाने की बात सामने आई थी। गौर करने की बात यह है कि सिद्दीकी इस बार केवटी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सिद्दीकी अलीनगर सीट छोड़कर केवटी से मैदान में उतरे थे। उसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा दरभंगा जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए पत्र जारी किया गया। राम नरेश यादव को पार्टी और महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी की खिलाफत के आरोप में 6 साल के लिए पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने कानून से किसानों की आय में बढ़ने की कही बात। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर प्रखंड के टेका बिघा गांव के समीप आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को समझाते हुए कहा कि किसान कहीं किसी भी बाजार में अपनी फसल का अनाज बेच सकते हैं। नए कृषि कानून से किसानों की आय बढ़ेगी, विपक्षी झूठ की खेती कर रहे हैं। इनके साथ ही कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में किसान सम्मेलन और चौपाल का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, आयोजित कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने आगे यह भी कहा कि नए कृषि कानून में होने वाले फायदों का जिक्र किया और बताया कि हमारी सरकार गरीबों एवं किसानों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान योजना लागू की, इसके तहत 80 लाख किसानों को 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन ऐसी कई घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1901 में महात्मा गांधी पोरबंदर के रास्ते राजकोट तक पहुंचे थे। 1924 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक और अभिनेता राज कपूर का जन्म हुआ था। 1946 में आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 2014 में आज ही के दिन 1200 ईसा पूर्व में नील नदी में भूकंप से नष्ट हुई अमन 3 की 2 विशाल मूर्तियों को पुरातत्वविदों द्वारा फिर से बनाया गया था। अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6ठे नंबर पर इस खिलाड़ी को उतारने की दी नसीहत।
ओडीआई और टी20 सीरीज के बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। वहीं टेस्ट सीरीज को लेकर और खासकर की टेस्ट सीरीज में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 17 दिसंबर को होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को छठे नंबर पर उतारने की नसीहत दी है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आपको नहीं लग रहा सभी खिलाड़ी ओपनर दिख रहे हैं, क्योंकि बिहारी और रहाणे पुजारे के साथ मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, इसीलिए वो तीनों स्थान से भरे हुए हैं। मैं शुभमन गिल को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते देखना चाहूंगा। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने उन्हें ओपनर के रूप में चुना है। सना खान ने शेयर की अपने हनीमून की फोटोज। एक्ट्रेस सना खान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने अपने हनीमून की फोटोज शेयर की है और अपने फैंस को सरप्राइज किया है। आपको बता दें, हाल ही में वो कश्मीर से वापस लौटी है। इन फोटोज में सना खान के कई मूड्स नजर आ रहे हैं। वो बर्फ के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सना खान ने 20 नवम्बर को गुजरात बेस्ड बिजनेसमैन मुफ्ती अनस संग शादी रचा ली थी। निकाह के सभी सेरेमनी के बाद सना खान ने फोटोज शेयर की थी। हल्दी मेहंदी और रिसेप्शन की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैली थी। इसके अलावा सना खान ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम भी बदल लिया है। हालांकि शादी से पहले सना खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। उन्होंने पोस्ट के जरिए फैंस को इस बात की जानकारी दी थी। व्हाट्सएप के नए ट्रिक से आसानी से देख सकते हैं किसी का भी स्टेटस। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का स्टेटस फीचर काफी पॉपुलर है। बड़ी संख्या में यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पॉपुलर होने के एक वजह है कि स्टेटस 24 घंटे के बाद खुद ब खुद गायब हो जाती है। हालांकि आप स्टेटस टैब पर जाकर कॉन्टैक्ट के स्टेटस देख सकते हैं। आप जिनका भी स्टेटस देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि किन किन लोगों ने स्टेटस को सीन किया है। हालांकि आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप स्टेटस भी देख लेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देखा है। इसके लिए आपको रीड रिसिपिएंट्स के ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन और सेटिंग्स में जाए, अब अकाउंट, और फिर प्राइवेसी में जाए और अपने रीड रिसिपिएंट्स के ऑप्शन को बंद कर दे, जिसके बाद आप अगर किसी का स्टेटस देखते भी है तो उस इंसान को पता नहीं चलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,250 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,250 रुपए था। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुदामा कुमार चौहान, कृष्ण मुरारी यादव, शक्तिकांत कुमार, पप्पू कुमार, शिवम कुमार, प्रभास कुमार, गोलू कुमार, मनीष कुमार, कुमार विकास, भाई धनजी पहलवान, संतोष कुमार, नीतीश कुमार, मनीष सिंह, शक्तिमान कुमार, रंजन यादव, मुकेश यादव, ट्रू हिस्ट्री, अशोक शर्मा, कुंदन कुमार, सीमा कुमारी, आभा कुमारी, ललित कुमार, राजू कुमार, मुकेश सिंह, सत्यजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार नल जल योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करवाने में सरकार अपनी तरफ से सफल साबित हो रही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।